स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 5 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। तो सबसे पहले बात करते हैं ये इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, इंटर मतलब क्या होता है? बिटवीन। और मॉलिकुलर मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स। यानी कि इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब हुआ कि ये एक ऐसा फोर्स है जो किन के बीच में प्रेजेंट होगा? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होगा। यानी कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी तरीके से एक हमारे पास फोर्स होता है जिसे कहा जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इंट्रामॉलिक्यूलर का क्या मतलब होता है? इंट्रा वर्ल्ड का मतलब होता है विद इन दी, इसका मतलब होता है विद इन दी, और मॉलिक्यूलर मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा? मॉलिक्यूल। यानी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक मॉलिक्यूल के खुद के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल के खुद के अंदर ही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर जो होगा वो दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स होता है, और जो इंट्रामॉलिक्यूलर होता है वो एक ही मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, उसे कहा जा रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो एक तरीके के फिजिकल फोर्सेस हैं या एक तरीके के केमिकल फोर्सेस हैं? किस तरीके का नेचर ये रखते हैं? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो नेचर में फिजिकल फोर्स कंसिडर किए जाते हैं। यानी कि ये फोर्सेस क्या कर सकते हैं? किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये उनके मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट कर सकते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा फोर्स जो किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट कर रहा है वो क्या कहलाएगा? एक फिजिकल फोर्स। यानी कि ये किसी मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बदल सकता है। जैसे कि अगर मान लो दो मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल A2 कंसिडर कर लेते हैं और दूसरा मॉलिक्यूल भी है A2, तो इन दो मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स है, ठीक है, वो फोर्स क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो क्या कहलाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाएगा। अगर ये फोर्स स्ट्रॉन्गर हुआ, ठीक है, तो हमें अगर इसकी स्टेट चेंज करनी है, सपोज़ हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये अभी लिक्विड स्टेट में है और इसके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और ये फोर्स स्ट्रॉन्गर है, तो अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है गैस के अंदर, तो ऑब्वियसली हमें बहुत हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस प्रोसेस के लिए। यानी कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी से सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक डाउन हो और ये अपने फेज को चेंज कर ले लिक्विड से गैसेस स्टेट के अंदर। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का जो स्टेट होता है वो किससे बदला जा सकता है? उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बदला जा सकता है। अगर किसी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और जैसे जैसे फोर्स वीकर होने लगेगा वो सब्सटेंस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा, और वीकर हो जाने पर किसके अंदर कन्वर्ट होगा? गैस के अंदर। और इसी से हम उसका बॉइलिंग पॉइंट भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज आएगा। अगर दो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, तो ऑब्वियसली उसे बॉयल करने के लिए आपको टेम्परेचर क्या लगाना पड़ेगा? हाई लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो किसी भी मॉलिक्यूल की किस प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है। उसके अलावा सेकेंड आता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या करता है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल के खुद के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल के खुद के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये किसको अफेक्ट कर सकता है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट कर सकता है। अब इसके बाद क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्टिव के अलावा रिपल्सिव भी हो सकता है? तो बिल्कुल, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, क्योंकि उसका मतलब है कि दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, और वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। रिपल्सिव का मतलब क्या हो जाएगा? कि दो पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर धकेलने वाला फोर्स, ठीक है, और वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा? दो मॉलिक्यूल को एक दूसरे की तरफ धकेलने वाला फोर्स। तो ये नेचर में अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं, लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हमें जो पढ़ना है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में, वो कौन सा फोर्स पढ़ना है? अट्रैक्टिव, यानी कि जिसमें दो पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज़र आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी लिमिट तक क्लोज रह सकते हैं। ऐसा पाया गया है कि यहाँ पर कभी कभी अगर
पार्टिकल बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज़र आ जाते हैं तो जो उनके न्यूक्लियस है वो बहुत क्लोज आ जाते हैं, और न्यूक्लियस पर हमें क्योंकि पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है तो एक दूसरे के न्यूक्लियस क्या करने लगते हैं, रिपल्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए इनकी भी एक लिमिट होती है, एक सर्टेन डिस्टेंस होती है जहाँ तक ये क्लोज़र आ सकते हैं, जहाँ तक ये फोर्सेज अट्रैक्टिव हो सकते हैं, उसके बाद ये फोर्सेज क्या हो जाते हैं, रिपल्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं।